नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ इग्नू का असाइनमेंट कैसे बनाएं। दोस्तों, इग्नू का असाइनमेंट बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इस तरह के कॉपी कलम, और इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास देखिए असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल है, मैं इसको जेरोक्स करा लिया हूँ। MHD यहाँ पर दिया हुआ है कोर्स का नाम, लेकिन इस तरह से मैं बता रहा हूँ तो आप BSc, BA, MA सभी का असाइनमेंट इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। इग्नू का असाइनमेंट पेपर डाउनलोड करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसको देखकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट hindi.com पर जाकर इस पेज को रीड आउट कर सकते हैं। इस पेज पर भी लिंक दिया गया है असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, छोड़कर कहीं मत जाइएगा, नहीं तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड कर लेना है, और ये वाला क्वेश्चन पेपर का जिस पर प्रश्न है उसको तो कंपलसरी है डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना। अब हम आपको बताते हैं क्या करना है। आपको मार्केट में जाना है, नज़दीकी मार्केट में या ऑनलाइन से ख़रीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन यदि खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहाँ से क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदने के लिए तो आपको जाना है स्टेशनरी शॉप पर और बोलना है असाइनमेंट का कॉपी चाहिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। यह देखिए क्लासमेट का कॉपी है, यह मुझे प्राप्त हुआ है 25 रुपये के, हो सकता है कहीं कहीं मार्केट में 20 रुपये में भी अवेलेबल हो जाए। एक असाइनमेंट का कॉपी ख़रीदने से आपको एक असाइनमेंट लगभग पूरी हो जाती है। ओपन करने के बाद सबसे पहले इंडेक्स पेज आपको मिल जाता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारे पेज दिए गए हैं, याद रखिए आपको दोनों तरफ से रुलदार पेज वाला लेना है, इसलिए ताकि आप आसानी से दोनों तरफ से लिख सकें और आपको बचत हो कॉपी की। यदि आपको ज़रूरत है, कंपलसरी है कि आपको ड्राइंग बनाना है, तो एक साइड रुलदार और एक साइड सादे पेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और कॉपी है, इसको भी मैं साइड करता हूँ क्योंकि दोनों एक ही है। याद रखिए दोस्तों, यह कॉपी A4 साइज में होना चाहिए। A4 साइज का यह कॉपी है, थोड़ा सा भी ना बड़ा है ना छोटा है। यदि आप बढ़िया कॉपी लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपका राइटिंग इस पर बढ़िया से बैठेगा और आपको मिलेगा बेहतर अंक। यह अंक ज़रूरी है फाइनल के लिए भी, क्योंकि 30% मार्क्स आपको फाइनल में जुड़ जाते हैं। अब आपको असाइनमेंट कैसे बनाना है, आइए आगे बढ़ते हैं। इस पर तो लिखने के लिए मैं बता दिया हूँ, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक MA का क्वेश्चन पेपर है, यदि आप BSc BA जिसमें पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट आउट करा लेंगे। यहाँ पर देखिए धागा लगाने के लिए मैं छेद किया हूँ, दो छेद। इसको छेद आप स्टेशनरी दुकान से करवा सकते हैं, इस तरह से उनके पास गैजेट होता है, इसको इसमें इस तरह से लगा कर और आपको कट करके दे देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इस तरह से आप कट कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें कट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए कट हो गए हैं, इस तरह से आप कट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के और प्रिंट करने के बाद आपको ज़रूरत होगी एक ID कार्ड की। ID कार्ड को आप डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिए, इसकी भी ज़रूरत है आगे चल के। एक फ्रंट पेज की ज़रूरत होगी, फ्रंट पेज आप नहीं बनाए हैं तो आपको मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या वेबसाइट हिंदी पेज पर भी जाकर आप इस फ्रंट पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक असाइनमेंट का कॉपी है लिखा हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे सजाकर जमा करना है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ असाइनमेंट को अंत तक कैसे तैयार करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले इस बॉक्स अमेंडमेंट नंबर लिखेंगे, तो आपको बढ़िया से अंक में अमेंडमेंट नंबर लिख लेना है। दोस्तों, इस तरह से आपको अमेंडमेंट नंबर लिख देना है, याद रखिएगा बॉल पेन से ही आप लिखेंगे तो बेहतर होगा। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आपको लिख देना है, यहाँ पर स्टूडेंट का एड्रेस लिख देना है, शॉर्ट में ही एड्रेस लिखिएगा, जैसे कि विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड आप लिख सकते हैं। प्रोग्राम का टाइटल आपको लिखना है, प्रोग्राम का टाइटल क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। प्रोग्राम का टाइटल एंड कोड, प्रोग्राम का टाइटल एंड कोड लिखना है, तो प्रोग्राम का टाइटल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपके आईडी कार्ड पर, देखिए मास्टर ऑफ आर्ट्स दिया हुआ है, MHD, यही आपको लिख देना है। कोर्स टाइटल, कोर्स टाइटल और कोर्स कोड यहाँ पर दिया गया है लिखने के लिए। इसी तरह से रीजनल सेंटर का कोड और नेम लिखना है, तो देखिए रीजनल सेंटर का कोड यहाँ पर दिया गया है,
रीजनल आरसी कोड 05 पटना, तो इसको आपको लिख देना है यहाँ पर। इसके बाद स्टडी सेंटर नेम एंड कोड, आपके एडमिट कार्ड पर रीजनल सेंटर का नाम और कोड मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज कर देना है। जिस दिन आप असाइनमेंट को सबमिट करेंगे तो उसका डेट यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और यहाँ पर सिग्नेचर आपको कर देना है। यह रहा फ्रंट पेज, फ्रंट पेज का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बाद आपको लगाना है आई कार्ड, आई कार्ड यहाँ पर नीचे लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर देखिए असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, इसको नीचे रख देंगे। दोस्तों जितने भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे उसके सामने टिक करते जाएंगे इस तरह से। इस असाइनमेंट पेपर का गाइडलाइन है, पढ़ लेना है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है या आप वेबसाइट हिंदी पेज पर जाकर विजिट करके आप पढ़ सकते हैं। तो नीचे मैं ऐड कर देता हूँ। इसके बाद मेन आता है असाइनमेंट। यहाँ पर देखिए हमारे पास असाइनमेंट है, इसको इस तरह से नीचे ऐड कर देना है। देखिए फ्रंट पेज आपका हो गया, यहाँ पर देखिए आईडी कार्ड हो गया, यह देखिए क्वेश्चन पेपर हो गया, इसके बाद असाइनमेंट हो गया। क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लिख देना है, ऊपर में MHD क्षत्रिय कार्य लिख देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गोदान के प्रमुख नारी पात्रों पर विचार कीजिए, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर लिख देना है, गोदान के प्रमुख नारी पात्रों पर विचार कीजिए और क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर टिक कर देना है। अब यहाँ से आंसर देकर आप आंसर लिख सकते हैं। आंसर देखिए आपको दिखना है कि कितने नंबर का है, लगभग 15 नंबर का है, तो ये कम से कम 400-500 वर्ड में आपको लिख देना है। तो देखिए गोदान के प्रमुख नारी पात्रों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर देखिए एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पाँच पेज, पाँच पेज में लिखा गया है। लगभग एक पेज में 90-100 वर्ड यहाँ पर अट जाते हैं, तो हो सकता है आपको 5-6 पेज लिखना पड़ सके। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, सूखा बरगद उपन्यास के महत्व पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ से शुरू होता है। याद रखिए इस पेज पर आपका सवाल का आंसर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ से नहीं शुरू कर देंगे लिखने के लिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको छोड़ देना है और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, इसके बाद में आंसर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। तो एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पाँच पेज, छः पेज लिखा गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से शुरू होता है, तो एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पाँच पेज, छः पेज, सात पेज, सात पेज और इतना लिखा गया है। यहाँ पर देखिए इतना छोड़ दिया गया है, इसी तरह से आपको भी छोड़ देना है। यहाँ से मत लिखिएगा, यहाँ से शुरू कीजिएगा, इसके बाद यहाँ से शुरू कीजिएगा, इस तरह से आपको लिख देना है। अब इस पूरी असाइनमेंट को बात करें कितने पेज में हुआ है, तो देखिए 45 पेज नंबर है, 44, 45 है, लास्ट में 46 है, हो सकता है 52-53 पेज नंबर भी हो सकते हैं आपका। इसके बाद क्या करेंगे आप देखिए, इसको भी कट कर लेंगे इस तरह से, इसको भी कट कर लेंगे। देखिए देखिए मैं कट कर लिया हूँ इस तरह से। अब करना क्या है कि इसको धागा से इसको बांध देना है। हमारे पास एक धागा है, इसी से आपको बांध देना है। ऐसा मत कीजिएगा कि पिन मार के छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैं पिन इसलिए मार दिया हूँ कि अगल बगल इधर उधर ना खसक जाए, आप ऐसा मत कीजिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि असाइनमेंट आपको कहाँ जमा करना है, स्टडी सेंटर पर जमा करना है या ऑनलाइन जमा करना है, मेल पर भेजना है या कुरियर के द्वारा भेजना है, यह पता करने के बाद ही कीजिएगा। तो आपको इसमें देखिए इस तरह से ऐसे कर देना है। मैं अब दिखाने के लिए इसको भी नहीं लिया हूँ अंदर में, लेकिन इस तरह से आपको ले लेना है, इस तरह से ऐसे बांध देना है। इस तरह से आपका असाइनमेंट बन के रेडी हो जाता है। इसको आप क्या करेंगे, स्टडी सेंटर पर ले जाकर जमा कर देंगे। यदि आप ज़्यादा खुश होना चाहते हैं और खुश करना चाहते हैं, तो फ्लिप कवर आता है जो इस तरह से मुड़ने वाला होता है, उसमें रख के आप जमा कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैं देखिए डाल देता हूँ, इस तरह से रहेगा, उसके अंदर इसको डालकर आप जमा कर सकते हैं या ऐसे भी आप जमा कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन जमा करना है तो आपको एक स्कैनर ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में इसको बारी बारी से स्कैन कर लेना है। इसको स्कैन कर लीजिए, इसको भी स्कैन कर लीजिए। स्कैन करते समय आपको इसको बाहर इस तरह से खोल देना है और बारी बारी से स्कैन कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, इस तरह से स्कैन करके आपको रख लेना है और आपको ऑनलाइन सबमिट कर देना है।
दोस्तों इस वीडियो में असाइनमेंट से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मैं आपको बता दिया हूं। यदि आप दिसंबर में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 30 सितंबर तक आपको असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट होती है। वहीं आप जून में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक लास्ट डेट होती है, लेकिन एक्सटेंड किया जाता है इस डेट को। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डेट को बढ़ाया भी जा सकता है। इस वीडियो संबंधित कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि और भी आप जानना चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी अन्य सवाल हो या आप लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।